भाई अमर है, राहुल भाई अमर है, वही वन जस्टिस, 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 वन डिमांड वन सोल्यूशन, रिलोकेशन रिलोकेशन, 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 वही वन जस्टिस, वही वन जस्टिस। जी आपका नाम? मेरा नाम संजय है। संजय जी बताइए, आज एक खुशी की बात है क्योंकि लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे थे पिछले 17 दिन से, आज यहाँ पे 5 बंदों को जो है जम्मू शिफ्ट किया गया है, रिलोकेट किया गया है, तो कैसी खबर है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये काफी पॉजिटिव है। जिस तरह से हमारा मुतालबा था सरकार से कि गुहार थी कि इस वक्त स्थितियों को जो कंडीशन है यहाँ पर इनको देखते हुए हमारा टेम्परली यहाँ से रिलोकेशन जरूरी है क्योंकि ये जान की बात है। तो जिस तरह से सरकार ने अभी फिलहाल 22 तारीख के ऑर्डर में 5 इंचार्ज AAs जो अभी ये प्रमोट हो गए हैं, उनको जिस तरह से जम्मू में काम करने का मौका मिला उनको डिप्यूट कर दिया गया है। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन कि ये रिलोकेशन शुरू हो चुकी है और हम काफी इसमें उम्मीद रखते हैं जिस धीरे धीरे जिस तरह से वो यहाँ से जम्मू शिफ्ट कर दिए गए हैं, रिलोकेट कर दिए गए हैं, इसी तरह से हम सब धीरे धीरे यहाँ से रिलोकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। आज आप सभी मीडिया कर्मियों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि हम सरकार से खुश हैं, आखिरकार उन्होंने रिलोकेशन पे अमल करना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमारे पीएम पैकेज के 5 जूनियर इंजीनियर्स जो इंचार्ज बने हैं फिलहाल ही, उनको जम्मू के लिए रिलोकेट कर दिया गया है। ये 22 तारीख का सरकार का ऑर्डर है। ये 5 एम्प्लॉयज जम्मू रिलोकेट हो चुके हैं, अब इनका जो वर्किंग है जम्मू में होगा। इसका मतलब रिलोकेशन पे सरकार काफी सीरियस है, वो संजीदा है रिलोकेशन के लिए, वो अपना बिल्कुल जो पॉजिटिव नोट है उन्होंने शुरू कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से हमारे ये 5 भाई जिनको एज इंचार्ज जेईज उनको यहां से रिलोकेट करके जम्मू में काम करने का मौका मिला है, कुछ देर के अंदर हम सभी जितने भी यहां पर माइनॉरिटी पीएम पैकेज एम्प्लॉयमेंट पैकेज के मेंबर्स हैं उनको धीरे धीरे इसी तरह से रिलोकेशन का रास्ता दिखा के हमारी जो जिंदगी पर बन आई है उसके लिए सरकार कारगर कदम उठाएगी। इसका हम तहे दिल से सरकार से शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे 5 निकले हैं वैसे हम सब यहां से रिलोकेट होके अपनी जान की हिफाजत कर सकते हैं। इसी का मुतालबा लेते हुए हमने आज आप भाइयों को बोला ये खबर देने के लिए। रिलोकेशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड एंड इट विल कंटिन्यू एंड वी आर वेरी होपफुल दैट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन दे आर वेरी सीरियस विद रिलोकेशन एंड दे विल टेक अस ऑल ये आज हाँ यहाँ बैठे हैं जो हम 70-75 दिन से रिलोकेशन के लिए हम लड़ रहे थे, देर आए मगर दुरुस्त आए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, एटलीस्ट हमारी आज उन्हें सुध ली। ये हमारे कल रिलोकेशन के लिए उन्होंने कल ये लिस्ट निकाली है जो रिलोकेशन हुए जम्मू के लिए, कोई तो इन्हें स्टार्ट किया है प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए हमके लिए धन्यवाद है तहे दिल से। तो शायद इन दिनों आगे दिनों में भी हमारा रिलोकेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम उनके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार है एडमिनिस्ट्रेशन का। कितनी खुशी है, फाइनली उम्मीद है अब जो आप लोग की डिमांड है वो फुलफिल हो रही है, कितनी खुशी है और क्या कहना चाहते हैं मजीद? देखो एक छोटी सी चिंगारी तो कहीं जली, एटलीस्ट हम इस चीज का वेट कर रहे थे, अभी तो साली खाली बारिश ही गिर रही थी। एक चिंगारी जलने से वैसे हमें थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि जैसे रिलोकेशन स्टार्ट हुआ है इनका, बाकी हमारे पुलिस का ये लिस्ट इनके पास जो ये भी है एक और, तो वैसे ही हमारा भी स्टार्ट हो जाएगा और विद इन नो टाइम लगता है विद इन डेज में शायद हमारे लिस्ट ऐसे ही 5 बज करके ही निकालेंगे, तो हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। जी मुझे बताइए, लगभग 70 जो है 70-75 दिनों से आप प्रोटेस्ट पे थे, आज एक ऑर्डर आया, खुशी की बात है सर, हम तहे दिल से इसका शुक्रगुजार है, देर आए बर दुरुस्त आए, एटलीस्ट सुध तो ली गई हमारी और इन 5 बंदों के वैसे शायद 4,500 मुलाजिम जो इसमें फंसे हुए हैं निकल जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं ये जल्दी ये कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी विद इन नो टाइम। तो जिस तरीके से आप लगातार प्रोटेस्ट कर, कितनी मुश्किल आपको आए और फाइनली आप सरकार ने बात मानी है, तो क्या कुछ कहेंगे उसके हवाले से? सर देखो मुश्किल तो स्टार्ट से ही आई थी, जिस दिन हम पहले दिन रजिस्ट्रेशन में बैठे थे, एक तो मेंटली हम इसमें डिस्टर्ब थे, मेंटली डिस्टर्ब होना ये छोटी बात नहीं है सर, आप फैमिली आप सफर कर रहे हैं। और पहली बात मैं ये एक वर्ड यूज करना चाहूंगा जो हमेशा से हम कह रहे हैं, हमने कभी ट्रांसफर की मांग नहीं की, हमेशा रिलोकेशन की बात की और वो भी फॉर टाइम बींग। प्लीज इस वर्ड को पूरा कंप्लीट लिखा के रिलोकेशन फॉर टाइम बींग, जब तक हालात ठीक होंगे, हम कश्मीर छोड़ने वाले में से नहीं है, हमने पहले दिन ही कहा तो आज भी कह रहे हैं, रिलोकेट हमें कीजिए तब तक जब हालात ठीक होंगे। आज चलो सही है, आज देर आए मगर दूसरा कुछ तो स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने और हम इसका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं।
डिमांड तो आप देख सकते हो, मेरे हाथ में कुछ कागज है, कुछ जो कि एक रिलोकेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हम आज बहुत खुश हैं सरकार से कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि कुछ लोगों के लिए, बेशक कुछ लोग हुए हैं कल रिलोकेट, उनकी जो ट्रांसफर्स हुई है जम्मू, तो ये एक पैसेज बनता है हम बाकी सब लोगों के लिए कि हम हमें भी एक रिलोकेशन का एक जरिया मिल जाएगा। और रही बात हमारे बॉन्ड की, जो हम बोल रहे थे कि हम बॉन्ड के तहत बंधे हुए हैं, मगर इस ऑर्डर के जरिए ये बॉन्ड अब कहीं वैलिड नहीं है। तो अगर इनके लिए भी ये बॉन्ड था, तो इन लोगों के लिए भी ये बॉन्ड था, तो हम अब बॉन्ड के अंडर कोई मतलब हम उसके अंडर नहीं अब बिलोंग करते हैं। तो हम इस मतलब हम बहुत खुश हैं सरकार से कि सरकार ने इतना अच्छा कदम लिया और ये इन लोगों को रिलोकेट किया, और इनके साथ हम भी रिलोकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। थैंक यू। बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। इस ऑर्डर ने दो बातें कंफर्म कर दी कि दैट गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट अवर रिलोकेशन, और दूसरी बात इस ऑर्डर ने एक और चीज, हमारी जो एक मांग थी कि हम बॉन्डेड लेबर नहीं है, तो इस ऑर्डर ने उसे खुद ही डिफाई कर दिया कि बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि ये जो पांच भाई हमारे हैं जिनको रिलोकेट कर दिया, इनके लिए बहुत खुश है, क्योंकि इन पांच की जान तो बच गई, इसी तरह से हम सब की भी जान बच जाएगी। गवर्नमेंट जो है धीरे 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 पांच पांच दस दस इंसानों को मेरे को लगता है अब इसी तरह से रिलोकेट करेगी, और साथ में जो हमारा बॉन्डेड लेबर था वो खत्म हो गया, क्योंकि ये ऑर्डर खुद ही ये प्रूव करता है कि बॉन्ड वैलिड नहीं है। कश्मीर में जो है, जो हालात है उनको देख के जो सरकार धीरे धीरे कदम ले रही है पॉजिटिव, हम सरकार की सराहना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि सरकार हम सभी भाई बहनों के लिए इसी तरह से ऑर्डर निकाल देगी। धन्यवाद। रिलोकेशन 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 रिलोकेशन।